और हेलो मेरे पढ़ाकों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करने का बहुत ही इजी तरीका, शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। ट्रिक क्या है लर्न करने का, इसमें हमने सबसे पहले तो ये टेबल बना लिया है। ए इज़ फॉर एंगल 0, 30, 45, 60, 90। हम जैसे जैसे यहाँ ए की जगह 0 पुट करेंगे, जैसे कि साइन 0 डिग्री आपसे कोई पूछे, ए की जगह फिर किसी ने पुट किया साइन 30 डिग्री, अगर कोई पूछे साइन 0 पूछे, तो आपको इंस्टेंटली याद होना है। तो वो याद करना आज आपको हो जाएगा और ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, दिस इज़ माई गारंटी टू यू। ओके, नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 4 नंबर्स लिख लेना है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 हर किसी को 4 से डिवाइड कर देना है। अब ये जितना सिंपल हो सके, 0/4 0 होता है, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 इज़ व्हाट 1/2, 3/4 3/4 ही रहेगा, 4/4 इज़ 1, करेक्ट। तो ये आपका आया। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, मतलब ऐसे स्क्वायर रूट ले लेना है 0 और इन सब का। तो रूट 0 0 होता है, रूट 1/4 रूट 1/4 रूट 1 इज़ 1, रूट 4 इज़ 2, ओके। नाउ रूट 1/2 रूट 1/2 कितना आ जाएगा, रूट 1 इज़ 1, 2 इज़ रूट 2, देन रूट ले लेना है इसका कितना आ जाएगा, रूट 3/√4 इज़ 2, रूट 4 है ना, रूट 1 इज़ 1। सो येस, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ साइन। क्या वैल्यूज़ आई, 0, हाफ, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। ये है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। सो दिस इज़ द वे टू लर्न इट। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, डिवाइड बाई 4 किया एंड देन टेकिंग रूट्स। सो यहाँ पे अब मैं लिख लेती हूँ वैल्यूज़ हमारी क्या थी, 0, हाफ, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। कैन यू सी वन थिंग हेयर, साइन जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है इट इज़ इंक्रीजिंग। सबसे पहले 0 है, एंड में क्या है 1 मैक्सिमम, सबसे पहले मिनिमम पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं कहेंगे मिनिमम है, देन हाफ 1/√2, रूट 3/2। अब कॉस लर्न करने का तरीका और भी आसान है, क्या हो जाता है, एक्सचेंज कर देना, जो साइन 90 है वो कॉस 0 है, मतलब 1। अब रिवर्स करना है आपको, मतलब ये 0 से 1 पे जो लिखा अब 1 से यहाँ पे लिखना है, देन रूट 3/2, क्योंकि कॉस 30 इज़ दैट, ये रिवर्स करेंगे तो ये सेम रहेगा 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो जो कॉस है वो रिवर्स चलता है और आप देख सकते हैं ये डिक्रीज़ भी हो रहा है 1 से 0, क्योंकि रिवर्स है, कॉस डिक्रीजिंग होता है। देन टैन, टैन होता क्या है, टैन इज़ कॉट, कॉट के टर्म्स में नहीं, साइन बाय कॉस होता है ना, क्या होता है टैन, साइन बाय कॉस। तो इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या आएगी, साइन अपॉन कॉस करना है 0/1, 0 कैन आई राइट, देन हाफ अपॉन रूट 3/2 करेंगे, हाफ अपॉन रूट 3/2 जब आप करेंगे, 2 से 2 गया कितना मिला 1/√3, देन 1/√2 गया क्या मिला 1, तो साइन 45 1 हो, टेन 45 1 होता है, देन इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर से 2 और 2 कैंसिल लाइक दिस, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, रूट 3/1 विच इज़ रूट 3, एंड इन द लास्ट 1/0। देखिए 1/0 is not defined, और इसको कई बार इन्फिनिटी भी बोला जाता है, ठीक है, तो इट्स नॉट डिफाइंड। तो आपको ना साइन कॉस टैन बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है, और साइन का तो मैंने बता ही दिया है, बाकी सब ईजीली आता है, 0, 1/√3, और टैन भी कैसे है, 0, 1/√3, टैन 45 1 होता है, टैन 60 इज़ रूट 3, देन नॉट डिफाइंड। बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसे कि आया कॉसेक, कॉसेक में आपको अब लर्न मत करना वैल्यूज़, जो भी साइन की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल करना है, लाइक इट्स 0, 0 का रेसिप्रोकल इट्स नथिंग बट 0/1, तो इट विल बी 1/0 लाइक दिस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30
पहले आप साइन सोच लें, फिर आप कॉसेक का, कॉसेक को उसको बस उल्टा कर देना आपको, ठीक है। वन बाय रूट टू का रूट टू, रूट थ्री बाय टू का टू बाय रूट थ्री, एंड वन का रेसिप्रोकल वन। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट कॉसेक, एंड सेम विद द केस विद सेक। सेक किसका अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस की जितनी वैल्यू है आपको उसको रेसिप्रोकल कर देना है टू फाइंड सेक। एंड सेम विद कॉट, कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, तो आपको टैन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो